नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पत्नी को रोते रोते हुआ रिश्तेदार से प्यार, पति से बोली तू बेकार, प्रेमी ही मेरा संसार। अजब प्रेम की गजब कहानी। न्यूज़ 18 हिंदी की एक रिपोर्ट के अनुसार चूरू जिले में पति की प्रताड़ना से तंग आकर दो बेटियों की मां ने अपने रिश्तेदार प्रेमी का हाथ थाम लिया। उसके बाद जब दोनों को परिजनों से धमकियां मिलने लगी तो महिला ने प्रेमी के साथ पुलिस के पास पहुंची और बोली कि हमें बचा लो, जानिए पूरा मामला। चूरू जिले में एक और महिला ने अपने पति की प्रताड़ना से परेशान होकर प्रेमी का हाथ थाम लिया। वह अपने पति से छुटकारा पाना चाहती है और प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है, लेकिन समस्या है कि उसके पति और परिजनों से धमकियां मिल रही है। उससे डरी दो बेटियों की इस मां ने अपने प्रेमी के साथ पुलिस के पास पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। महिला फिलहाल अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। चूरू SP दफ्तर पहुंची राजल देसर की 27 वर्षीय सरिता ने बताया कि उनका परिवार अभी सिरोही रहता है। साल 2014 में उसकी शादी चूरू जिले में स्थित सालासर निवासी शख्स के साथ हुई थी। उसका पति शराबी किस्म का व्यक्ति है, वह शराब पीकर अपने उनके साथ मारपीट करता था। 3 साल पहले पति ने शराब पीकर उसके साथ मारपीट की और फिर घर से निकाल दिया था। उसके बाद जब वह घर के बाहर बैठी रो रही थी तभी उसने पहली बार बींदासर के दड़ीबा गाँव निवासी गोपाल प्रजापत को देखा था। गोपाल उसकी रिश्तेदारी में ही है, गोपाल ने उसे प्रभावित कर दिया। इसको लेकर अलग फीलिंग दिल में आने लगी। सरिता ने बताया कि करीब 7 महीने पहले गोपाल से उसकी दोबारा मुलाकात सुजानगढ़ के अस्पताल में हुई थी। उस समय दोनों बीमार थे और दवाई लेने अस्पताल गए थे। इसके बाद दोनों की मोबाइल पर बातें होने लगी। इसी बीच पति से परेशान होकर अपने पियर में रह रही थी बीते 9 फरवरी 2024 को है अपनी एक बेटी को लेकर घर से निकल गई और गोपाल के साथ कोटा आ गई। 2 मार्च को दोनों सिरोही थाने पहुँचे और वहाँ अपने पति की हरकतों को बताकर बयान दर्ज कराए। उसकी एक बेटी अभी भी उसके पति के पास है। बकौल सरिता अब गोपाल के साथ ही रहना चाहती है। गोपाल ने बताया कि उसने BCOM तक पढ़ाई की है और वह अभी कोटा में अकाउंट्स का काम करता है। सरिता ने 10वीं तक पढ़ाई की है। सरिता अपनी मर्जी से उसके साथ लिव इन में रह रही है, लेकिन दोनों को लगातार धमकियां मिल रही है। उन्हें पुलिस सुरक्षा की दरकार है क्योंकि उनकी जिंदगी को खतरा बताया जा रहा है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट द हेडलाइन।